उसने इस मामले के बारे में तुम्हें अंधेरे में रखा। वो हमें अपने रिजल्ट के बारे में अंधेरे में रख रहा है। मैं कभी अपने माँ बाप को अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम हमेशा मुझे अंधेरे में रखते हो। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है कीप, कीप के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है इन द डार्क। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आप कीप देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि कीप, केप्ट, कीपिंग, कीप्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। वो हमें अपने रिजल्ट के बारे में अंधेरे में रख रहा है। ही इज कीपिंग अस इन द डार्क अबाउट हिज रिजल्ट। ही इज कीपिंग अस इन द डार्क अबाउट हिज रिजल्ट। मैं कभी अपने माँ बाप को अंधेरे में नहीं रखूंगा। आई विल नेवर कीप माई पेरेंट्स इन द डार्क। आई विल नेवर कीप माई पेरेंट्स इन द डार्क। क्या तुम उसे अंधेरे में रख रहे हो? आर यू कीपिंग हर इन द डार्क? आर यू कीपिंग हर इन द डार्क? उसने इस मामले के बारे में तुम्हें अंधेरे में रखा। शी केप्ट यू इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। शी केप्ट यू इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। क्या उसने तुम्हें अंधेरे में रखा? डिड ही कीप यू इन द डार्क? डिड ही कीप यू इन द डार्क? वो अपनी नौकरी के बारे में सबको अंधेरे में रखता है। ही कीप्स एवरी वन इन द डार्क अबाउट हिज जॉब। ही कीप्स एवरी वन इन द डार्क अबाउट हिज जॉब। तुम्हें पुलिस को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। यू शुड नॉट कीप द पुलिस इन द डार्क। यू शुड नॉट कीप द पुलिस इन द डार्क। तुम हमेशा मुझे अंधेरे में रखते हो। यू ऑलवेज कीप मी इन द डार्क। You always keep me in the dark. अब वो तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। Now he does not want to keep you in the dark. Now he does not want to keep you in the dark.